उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कानपुर पहुंचे। सीएम योगी यहां रामा विश्वविद्यालय मंदना के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने डॉक्टर बीएस कुशवाहा आयुर्विज्ञान संस्था का शुभारंभ कर उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इसी बीच सीएम योगी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ड्रेनेज, नवाचार, शोध आदि को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन को कई सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज समेत अन्य के व्यक्तित्व व कार्यों का उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपकी आयु हर चुनौती से जूझने का जज्बा रखती है। युवा हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने में सामर्थ्य रखता है। जिन्होंने देश की धारा को बदलने का कार्य किया वे सब युवा थे। युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बस करने का जज्बा होना चाहिए। युवा पलायनवादी नहीं हो सकता, उसे देश, काल, समाज की वर्तमान स्थितियों की जानकारी भी होनी चाहिए। युवाओं को नवाचार, नए शोध व आसपास घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करने की कार्यशैली को विकसित करना होगा। ऐसी घटनाएं सीखने व जानने का अवसर देती हैं। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई भी उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखती। अगर वह मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण भारत की इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं यहां पे विश्वविद्यालय से 2-3 मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहां पे आयुर्वेद का भी है, एलोपैथ का भी है, ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके और यहीं पे बैठ करके, आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए, जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है, या एक टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं।